हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस यूट्यूब वीडियो में। मेंबर जोन में, पब्लिक जोन में मैंने आज वीडियो निफ्टी का कंप्लीट दिया हुआ है, फिर भी यहाँ पे अपडेट करूँगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, कुछ स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे। कल बजट के लिए स्पेशल मूवमेंट होने वाला है, इसलिए इस एनालिसिस, ये डेली बेसिस पे जो एनालिसिस करता हूँ उसी का कंटिन्यू समझिए। कंपल्सरी नहीं है कि ऐसा ही हो, फिर भी प्रोजेक्शन किया जा सकता है, बिल्कुल की जा सकती है। तो हम इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे फिर से देने की कोशिश करेंगे एज पर हमारे गैन एंगल एनालिसिस सॉफ्टवेयर के माध्यम से। देखिए, वीकली ब्रेकआउट पे मैंने बोला था कि वीकली ब्रेकआउट हो जाएगा तो अच्छा खासा 1700-1500 के ऊपर क्रॉस करेगा, तो इजीली 17800 और 17940-50 तक जा सकता है। ये वीकली एनालिसिस में मैंने क्लियर कर दिया है और नीचे का ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, लेकिन कल बजट है, स्पेशल डे है, 220 के नीचे की क्लोजिंग फिर से डाउनसाइड के मूव ला सकता है। लेकिन वीकली ब्रेकआउट अच्छा हुआ है और जिस तरीके से पब्लिक जोन में दिया है उसके आगे की मैं बात करूँगा यहाँ पे, तो क्लियर कट कल जो देखिए आज हुआ क्या, ओपन इंटरेस्ट बहुत जोर से घटा है। कहीं ना कहीं रिस्की ट्रेडर जो रिस्क नहीं ले सकते उन्होंने अनवाइंडिंग कर लिया है पोजीशन को, और इसको शॉर्ट कवरिंग रैली भी बोल सकते हैं। जिन्होंने शॉर्ट किया उन्होंने कवर किया है और कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग भी हुआ है ऊपरी लेवल पे, तो इसको लॉन्ग अनवाइंडिंग भी बोलेंगे। राइज में अगर ओपन इंटरेस्ट घटता है उसको लॉन्ग अनवाइंडिंग बोलते हैं। तो ओवरऑल यही एज फॉर लेवल अब इम्पोर्टेंट है कि प्रीमियम 22 पॉइंट का प्रीमियम है, तो आप देख सकते हैं ये जो टारगेट 4 है ना, ये फ्यूचर का लेवल है। 22 पॉइंट माइनस कर देंगे तो लगभग 17185-86 का लेवल, 17180 और 17160 इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। इसके नीचे ट्रेड नहीं करना चाहिए और इसके आसपास से बाउंस कर जाए, ये 17316 22 पॉइंट माइनस कर देगा तो 17300 के ऊपर, जैसा मैंने वीडियो में बोला था, इसके ऊपर चलेगा तो इजिली ये 410 कैश में 410 इंटरडे का हाई क्रॉस कर जाएगा तो इजिली 520 तक आ सकता है। 520 का ऊपर मीन्स कि अगर 500 का लेवल, वही 500 का लेवल आ गया, 500 के ऊपर चलेगा तो इजिली 680 तक का मूवमेंट हो सकता है। जोरदार कल उठा पटक हो सकता है, जिस तरीके से पब्लिक जोन में बोला था उसी का ये लेवल फिर से रीवेरीफाई कर रहे हैं फॉर गैन एंगल एनालिसिस। तो इम्पोर्टेंट ध्यान देना है 16160 और 16206 प्रीमियम घटता है उसके अकॉर्डिंग आप लेवल मैच कर सकते हैं, तो ये लेवल के नीचे बिल्कुल भी ट्रेंड नहीं होना चाहिए। और इसके आसपास से बाउंस करता है 16300 के ऊपर तो एक तेजी देखी जा सकती है, और इस तेजी के पीछे हम स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग करेंगे। ये तो निफ्टी का लेवल एनालिसिस हमने कर दिया है और ऑप्शन कहीं ना कहीं महंगा मिलेगा, इसलिए ध्यान से ट्रेड करने की कोशिश करना है। अब हम बैंक निफ्टी का लेवल एनालिसिस करेंगे। देखिए, बैंक निफ्टी में वो तेजी नहीं देखी गई है। बैंक निफ्टी में देखिए जोरदार अच्छा खासा तेजी पहले ही देखी गई है, और कहीं ना कहीं जग जाहिर जब लेवल हो जाता है तब कहीं ना कहीं वो मूवमेंट उल्टा पुल्टा होने लगता है। 38,053 ये इसके ऊपर की वीकली ब्रेकआउट नहीं हुआ है, तो कल इसके ऊपर की ब्रेकआउट होता है तो 38,939,000 के आसपास का लेवल इम्पोर्टेंट ध्यान देने वाला है, और इसमें ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है तो ओवरऑल बैंक निफ्टी बुलिश है, कल की तैयारी कर रहा है, तो कल का हो सकता है बैंक निफ्टी के कारण ही निफ्टी में तेजी आ जावे। तो ये इम्पोर्टेंट निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल एनालिसिस है। अगर मैं अब स्टॉक स्पेसिफिक बात करें, स्टॉक स्पेसिफिक बाउंस आने वाले में से जो स्टॉक है उसमें से हेल्थ केयर का स्टॉक कैडिला हेल्थ केयर में एक ब्रेकआउट देखा गया है, और ये डिफेंसिव भी है और बॉटम से रिवर्सल, जैसे विप्रो में हमने पकड़ा था तो विप्रो को मैं जिनको प्रॉफिट बुक करना निचले लेवल पे लिया है, और कल बाउंस मिलता है 600 के आसपास, 585 के आसपास, तो कंजर्वेटिव टारगेट जिनको है वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक करते हैं, उनको कैडिला हेल्थ केयर जैसे स्टॉकों पे ध्यान देना चाहिए। और ये डिफेंसिव भी है और कहीं ना कहीं इसमें एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिख रहा है, और ब्रेकआउट जो लेवल है ब्रेकआउट लेवल है कल का 412 के ऊपर, और रेजिस्टेंस जो होगा 426-430 के आसपास हो सकता है। तो कैडिला हेल्थ केयर डिफेंसिव बाइंग है, और पीएसयू कंपनी को तो बिल्कुल देखना चाहिए कल के ट्रेडिंग सेशन में। निचले लेवल मिलता है यूनियन बैंक में मुझे अच्छा खासा तेजी दिखती है, तो ये इम्पोर्टेंट लेवल है। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में एक अच्छा खासा बॉटम आउट पैटर्न बन रहा है, लेकिन लेकिन कैश में लेना चाहिए, फ्यूचर में नहीं लेना चाहिए।
220 के ऊपर, 217 के आसपास का ब्रेकआउट लेवल है, 228 तक जा सकता है कैश में इंट्राडे है। देखिए टाइम पास करने के लिए कल कल मूवमेंट ठीक ठाक नहीं होता है और आपका ट्रेड बिल्कुल भी लेने का मूड नहीं है, तो टाइम पास करने के लिए 217 के ऊपर चले तो 220, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कल कहीं ना कहीं जो रिस्क लेना नहीं चाहते हैं प्लेयर, उनके लिए टाइम पास के लिए कहीं ना कहीं ट्रेड लेने का मन करे तो ऐसे स्टॉकों पे ध्यान दें जो ओवरसोल्ड टेरिटरी से बाउंस कर सकता है और इसमें प्रॉफिट लॉस भी बहुत कम होगा। इंट्रा जो जो लेवल है 207 के नीचे है और 204, 205, 204 नहीं टूटना चाहिए, 208, 207 ये सब सब रेजिस्टेंस है और इसके आसपास से नीचे आ जाता है और ये रेजिस्टेंस फेस करेगा, इसके ऊपर से बाउंस करेगा तो अच्छा खासा 218 के बाद अच्छा खासा 224 तक जाने की ताकत रखता है। तो कल जिन स्टॉकों को मैंने वीकेंड में एनालिसिस कर दिया उन स्टॉकों के साथ साथ उनमें पार्सली प्रॉफिट जरूर बुक करते रहना चाहिए, उसके साथ साथ इन सारे स्टॉकों पे आप ध्यान दे सकते हैं। मैं और बजट के लिए स्पेशल एनालिसिस हमने पहले ही कर दिया है और बजट को कहीं ना कहीं रिस्की ट्रेड हो सकते हैं, इसलिए ध्यान से ट्रेड करने की कोशिश कीजिए। तो हमने बेसिकली निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस के साथ साथ कुछ ओवरसोल्ड स्टॉकों पे व्यू देने की कोशिश किया है, इन स्टॉकों के साथ आप ट्रेड कर सकते हैं एज पर योर ओन व्यू। तो ये रहा व्यू। नेक्स्ट इंडसइंड बैंक, देखिए जैसे हमने HDFC बैंक पकड़ा हुआ था और जिन लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया है, इंडसइंड बैंक का लेवल 850 नहीं कटना चाहिए और 893 कटेगा तो जोर से 930-915 रुपए तक जाने की कोशिश करेगा। 886 के नीचे की वीकली क्लोजिंग हुआ है तो एक तरीके से बेयरिश भी हुआ है एज पर वीकली, जैसा मैंने बोला है बार बार वीकली लेवल को जरूर फॉलो करना है और 844 होल्ड हो जाता है और 886 के ऊपर चले तो ही बाई करेंगे और फिर 890 और 916 के लिए। तो कल थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड करने की कोशिश कीजिए, कोई ऐसा व्यू होगा तो लाइव मार्केट में अपडेट करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।